यह बात एकदम सत्य है कि योग से शरीर को सही आकार दिया जा सकता है। यदि आप अपने कूल्हों यानी हिप्स को सही आकार देना चाहते हैं तो इसमें योग आपकी मदद कर सकता है। तीन आसन, नौकासन, उत्कट आसन और उष्ट्रासन जैसे आसनों का नियमित अभ्यास आपके कूल्हों को ठीक आकार में ला सकता है, परंतु करें सही तरीके से। चलिए जानें सही तरीका है क्या। नमस्कार, हम योग चैनल पर आने के लिए आप सबका आभार। आप सबको परमात्मा अच्छी हेल्थ दे ऐसी कामना करते हुए चलिए स्टार्ट करें आज की बात। कूल्हों को सही आकार में लाने का प्रयत्न महिलाएं इसलिए करती हैं ताकि वे हर तरह की ड्रेस पहन सकें और नाइस दिख सके, कोई भी कपड़ा उन पर अजीब ना लगे। कूल्हों को आकार में लाने के लिए योग बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यदि नियमित रूप से, आई रिपीट, नियमित रूप से आसनों का अभ्यास किया जाए तो जल्द ही आपके कूल्हे यानी हिप्स शेप में आने लगेंगे। इन्हें शेप में लाने के लिए किए जाने वाले आसन भी बेहद आसान होते हैं। आइए जानते हैं कि किन आसनों को करने से आप अपने हिप्स को सही शेप दे सकती हैं। उत्कट आसन इज द फर्स्ट आसन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म। सुनिए पहले इसके बारे में और फिर परफॉर्म कैसे करना है ये मैं बताऊंगी। उत्कट आसन को हम चेयर पोज के नाम से भी जानते हैं। कूल्हों को सही आकार में लाने के लिए उत्कट आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। आसन के दौरान शरीर का वजन, विशेषकर पूरा वेट जो आपका है, वो आपके पैरों पर, आपके हिप्स पर और आपके थाई मसल्स पर लगता है। इससे आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। इस योग से कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और अच्छा फंक्शन करती है। इसके लिए करेंगे क्या, अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। आपको बनानी है एक चेयर जैसी पोजीशन। इसके लिए आप अपने आसन को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, मैं साइडवेज यूज करूंगी, राइट। चेयर पोज का मतलब है चेयर जैसी आकृति बनाना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप चेयर पोज को अच्छे से कर सकें। नंबर वन, पैर जो है वो टेढ़े नहीं रखे जाएंगे, इससे आपकी स्पाइन पर इफेक्ट आएगा। पैर हमेशा सीधे रहेंगे, आप कोई भी आसन परफॉर्म करें। पैरों की स्थिति कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर, गैप बनाएं ताकि बैलेंस बना रहे। दूसरा, इनिशियली जब आप चेयर जैसी आकृति बनाएंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा बेंड ना कर पाए, तो आप इतना रुकें, धीरे धीरे बेंड करें और इसे बढ़ाएं। तीसरी बात, मेक श्योर आपके घुटने पैर से ज़्यादा आगे न जाएं। कोशिश करें इन्हें क्या रखें, पैरों के पैरल रखें। देखिए कुछ इस तरह से, इनिशियली हो सकता है ये ऐसे रहें, तो जो बिगिनर्स हैं वो इसे ऐसे भी परफॉर्म करें तो चलेगा। हाथों की स्थिति, बैक सीधी, हाथ या तो सामने रखे जा सकते हैं और या फिर आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। बैक सीधी रहेगी, रोल नहीं होगी। कुछ क्षण रुकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैर आगे जा रहे हैं घुटने, तो आप कोशिश करें उन्हें पीछे लाएं और स्टे करें और धीरे धीरे वापस आए। किन लोगों ने ये आसन नहीं करना है, रिमेम्बर, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या किसी तरह की सर्जरी हुई है, दे शुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस आसन। या फिर अगर थोड़ा बहुत पेन है तो आप वॉल की मदद से इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे आसन के लिए हमें मैट पर बैठना होगा। बोट पोज हमारा दूसरा आसन है, जिसे हम नौकासन के नाम से भी जानते हैं, नौका जैसी स्थिति। नियमित रूप से नौकासन करने से आपके शरीर को कई प्रकार के फायदे पहुंचते हैं। इस आसन के दौरान आपके शरीर का पूरा वजन जब आप करेंगे, आप देखेंगे आपका पूरा वेट जो है वो आपके हिप्स पर आ जाता है, जिससे कि उन्हें सही आकार मिल सकता है। इसे करने के लिए हम दोनों पैरों को पहले सीधा करके बैठेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी भी। मेक श्योर कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहे। कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। इस तरह से बैठ गए, मैंने कहा रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, लेग स्ट्रेट,
और पैरों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बाकी सब लोगों को कहती हूँ और समझाती हूँ वो ये, देखिए ज़रा, जब हम ढीला छोड़ते हैं तो हमारी स्किन जो है वो इस तरह से लटक जाती है, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनके यहाँ बल्जिंग है, यहाँ पर इतना सारा आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो लटकता है। कब? जब आप ढीला छोड़ते हैं, मेक इट एक्टिव, अब नहीं करता। सो इट मीन्स आप अपनी बॉडी को जब भी बैठे एक्टिव रखें, इस तरह से नहीं। दिस इज ओनली अलाउड व्हेन यू आर ऑन द बेड। अगर सारा दिन ऐसे रहेंगे तो आपकी बॉडी लटकी रहेगी, टोन्ड नहीं रहेगी, राइट? सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप, याद रखें, जब भी बैठें सिट स्मार्ट। अब बैठ गए, दोनों हाथ साइड पर, पहले मेक श्योर किया कि आपकी बैक एकदम सीधी हो गई है। इस पॉस्चर में थोड़ी देर रुकने का प्रयास कीजिए, आपके हिप्स ऑटोमेटिकली शेप में आने लगेंगे। नौकासन में हमेशा अपने वीडियोज में दो तरह से बताती हूँ, एक बिगिनर्स के लिए, दूसरा एडवांस और जिसे हम परफेक्ट पोज कहते हैं। बिगिनर्स क्या करेंगे, बेंड करेंगे अपनी नीज को और इस तरह से उठाएंगे, हाथों को छोड़ सकें तो बहुत अच्छा, बैलेंस बनाकर छोड़ दें, ब्रेथ कंट्रोल रखें। यहां पर आप मूल बंद जरूर लगाएं, ना कर पाए तो पकड़ लें, टो पॉइंट करके रखें जितना आप रख सकें, एक्टिव रखें, ढीले छोड़कर नहीं। And sit for some time. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. आप पाएंगे इससे धीरे धीरे आपकी कोर मसल्स जो हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगी और पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। पूर्ण कैसे करेंगे? लेग्स को स्ट्रेट करना है। कैसे? लेग्स को अपने पास फोल्ड करें, मेक श्योर योर बैक इज इरेक्ट एंड लिफ्ट योर लेग्स अप। अब आपकी पोजीशन क्या है? बॉडी और लेग्स 45 डिग्री ग्राफ बनना चाहिए। देखिए, बैक रोल नहीं, सीधा। अगर हाथ छोड़ सके बहुत अच्छा, नहीं तो होल्ड कर ले अपनी लेग्स को और बैठे थोड़ी देर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। इससे आप पाएंगे, आप जब करेंगे आपकी लेग्स शेक करती हैं, इट इज़ फाइन, परफेक्टली ओके। कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। नो, आपके जब मसल्स फंक्शन करने लगते हैं तो वो मजबूत होने लगते हैं, तब ये इसके सिम्टम्स हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है ये शेकिंग भी कम हो जाती है। चलिए चलें तीसरे आसन की ओर, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में शरीर की आकृति किसी ऊँट के समान बनती है, इसीलिए इसे कैमल पोज भी कहा जाता है। इसे करने से हिप्स में कर्व दिखने लगते हैं, हिप्स के जो कर्व हैं वो बेहतर दिखने लगते हैं। और इसे करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे अपने घुटनों के बल। बताएं आपको कैसे, मैं इसे साइडवर्ड परफॉर्म करूंगी ताकि आप इसे अच्छे से जान सकें। नीज बेंड करके वज्रासन में बैठें। अब हम क्या करेंगे, अपनी नीज पर आ जाएंगे, घुटनों पर। मेक श्योर घुटनों में थोड़ा सा फासला हो ताकि आपका बैलेंस बिगड़े नहीं। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है, मैं आपको ये साथ साथ बताऊंगी। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, आपने पैरों को फ्लैट भी रख सकते हैं, पैरों को इस तरह से भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स आपका रीच क्या है। अपने हाथ को, कोई भी हैंड, मे बी यू स्टार्ट विद राइट हैंड, मैंने अपने लेफ्ट हैंड को पूरा स्ट्रेच करते हुए पहुंचना है एडी तक। एडी तक पहुंच पाए बहुत अच्छी बात, नहीं पहुंच पाए तो पैर को इस तरह से खड़ा कर लें। इसका मॉडिफाइड वर्जन जो बिगिनर्स के लिए है, जो नहीं पहुंच सकते उनको भी बता दिया जाएगा। अब दूसरे हाथ को कंप्लीट रोटेट करते हुए पीछे पैर तक लेकर जाएंगे, इस तरह से। अब जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो नेक ज्यादा पीछे नहीं करेंगे, वो ऊपर रखेंगे, लेकिन जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं वो अपने पेट को आगे पुश करेंगे और हेड डाउन। देखिए कैसे, वापस, और इस आसन के बाद रिलैक्स करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बैकवर्ड बेंड किया है तो फॉरवर्ड बेंड इज मस्ट। तो चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें,
रिलैक्स। बिगिनर्स ने कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी बैक बेंडिंग शुरू में इतनी ज़्यादा ना हो, तो आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करते जाएं धीरे धीरे। इस तरह से घुटनों पे रहे, दोनों हाथ आपकी कमर पर, और इस तरह से बैक बेंड जितना जा सके उतने पर होल्ड करें। और फिर वापस, और अपने इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। ये आपकी बिगिनिंग पोजीशन रहेगी। फिर धीरे धीरे कोशिश करें एक हाथ को पीछे ले जाने की प्रैक्टिस, और फिर दूसरे हाथ को। हम औरतें ईश्वर की एक अनूठी रचना है, क्योंकि हम हैं तो सब हैं, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पूरा शरीर उस परमात्मा का गिफ्ट है। इस गिफ्ट को इंटैक्ट रखना, यानी सही फॉर्म में रखना, मेरी नीड ही नहीं, मेरी ड्यूटी भी है। चलिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके हम सबकी ड्यूटीज़ को निभाने में उनकी भी मदद करते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।